हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नज़मा बानो फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। एनटीटीसी द्वारा चलाई जा रही वीडियो लेक्चर क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। सो हम आज व्हाइल और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस को समझने वाले हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले दोनों का फ्लो चार्ट समझाया है, उसके बाद दोनों का लिखने का तरीका यानी कि सिंटेक्स, और देन एक प्रोग्राम के थ्रू मैंने दोनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। सो यहाँ अब हम देखते हैं इनका फ्लो चार्ट। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देखें, व्हाइल लूप के केस में सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू आता है तो ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो वो लूप से एग्जिट कर जाता है, यानी कि एक बार भी बॉडी ऑफ लूप में नहीं जाता है कंट्रोल। लेकिन अगर डू व्हाइल के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, देन एक्सप्रेशन चेक होगा। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो अगेन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स होता है तो ये लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब इन केस में अगर फर्स्ट केस में ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, उस केस में व्हाइल लूप अगर हम यूज़ करते हैं तो जो बॉडी है लूप की वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन मिलते ही फॉल्स हो कंडीशन फॉल्स मिलते ही वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। लेकिन डू व्हाइल के केस में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, तो अगर वो कंडीशन फॉल्स भी मिलती है तो भी एटलीस्ट एक बार वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर चुका होता है। सो हम व्हाइल लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, क्योंकि इसमें एंट्री ही तब मिल रही है बॉडी ऑफ लूप में जब वो कंडीशन ट्रू आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। लेकिन व्हाइल लूप को बोलते हैं हम एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि ये बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट कर चुका है और देन एग्जिट पे ये कंडीशन चेक कर रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में अगर हम देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाइल पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देन बॉडी ऑफ लूप, लेकिन डू व्हाइल लूप में हम लिखते हैं डू बॉडी ऑफ लूप देन व्हाइल कंडीशन और सेमी कॉलन। सो अब हमने एक प्रोग्राम लिखा है, 1 to 10 प्रिंट कराना है हमको यूजिंग व्हाइल लूप। तो मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेटमेंट लिखा है इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, कंडीशन लगाई है आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी जब तक आई 10 नहीं हो जाता तब तक हम अपडेट कर रहे हैं आई को प्लस 1 से और प्रिंट एफ करा रहे हैं आई को। सो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारा आउटपुट 1 से 10 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। अब इसी को अगर हम सपोज़ हमने जो इनिशियल स्टेटमेंट लिखा था उसको 1 की जगह हम 11 कर दें, यानी कि हमारी कंडीशन को हम फॉल्स कर दें, क्योंकि आई इक्वल्स टू 11 के लिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाने वाली है, बिकॉज 11 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 10। सो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो इन केस जब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम आउटपुट देखते हैं व्हाइल लूप का, यहाँ पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि बॉडी ऑफ लूप में ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री में ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। लेकिन अगर यही सेम एग्जांपल हम डू व्हाइल के थ्रू देखें तो जब हमारा आई इक्वल्स टू 1 है उस केस में इसने 1 से 10 प्रिंट कर दिया है, लेकिन जब आई इक्वल्स टू 11 है उस केस में यहाँ पर 11 प्रिंट हुआ है। देखिए, जब हमने आई इक्वल्स टू 11 किया तो इसने पहले आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, उसके बाद इसने चेक किया कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है या नहीं है, तो कंडीशन तो ऑब्वियसली फॉल्स थी, लेकिन फिर भी ये लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर चुका था, तो जो आई की वैल्यू थी वो एक बार प्रिंट हो चुकी थी, यानी यहाँ पर स्क्रीन पर हमें रिजल्ट मिला 11। जबकि इन केस जब हम व्हाइल लूप में करते हैं तो हमें रिजल्ट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, सो व्हाइल के केस में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक बार भी लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है, लेकिन डू व्हाइल के केस में अगर शुरुआत में ही कंडीशन फॉल्स है तो भी लूप बॉडी एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होती ही है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, होप आपको समझ आया होगा।